ये क्या? जलने की बदबू की जगह खाने की खुशबू? लगता है पड़ोसियों के घर से आ रही होगी। जी नहीं, ये खुशबू मेरे बनाए हुए खाने की है। वादी, कोई कोर्स वोर्स किया क्या या भाभी से क्लासेस लिए? खाना दिखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है। और भी बनाया, अभी लेकर आती हूँ। हाँ। अरे वाह, भाई आप भी आइए ना, खाना खा लीजिए, मैंने बनाया है, आप ही ने तो कहा था। अरे वाह, भगवान झूठ ना बुलाए, भाई खाना तो बहुत बढ़िया बना। वादी, आई एम इम्प्रेस्ड। अरे भाई ट्राई तो करो। खाओ, तुम लोग खाओ, मुझे ऑफिस जाना है यार। अरे गुड्डू बेटा, खाली पेट घर से नहीं निकलते हैं, खास करके जब खाना टेबल पर लगाओ। नहीं बुआ जी, आप लोग खाओ, मैं ऑफिस में खा लूंगा, लेट हो रहा हूँ। भाई मैंने कहा ना, मुझसे गलती हो गई थी, और अब तो मैं आपकी दी हुई पनिशमेंट में फॉलो कर रही हूँ। इतना भी गुस्सा मत कीजिए मुझसे कि बात कर नहीं बंद कर दे। मेरा बनाया हुआ खाना भी नहीं खाएंगे आप? मैंने इतने प्यार से बनाया आपके लिए, प्लीज खाइए ना। गुड्डू, भाई बहन के बीच में इतनी देर तक नाराजगी नहीं चलनी चाहिए, चल खाना खा ले। भावना, इसके लिए प्लेट लगा, आ जा। अपना गुस्सा खाने पर कभी नहीं उतारना चाहिए, दिया भाभी होती तो वो भी आपसे यही कहती ना। चलिए चलिए। अरे भगवान झूठ ना बुलाए, अगर इतना अच्छा खाना बनाती थी तो हमें पहले क्यों नहीं खिलाया? बुआ जी, ये पहले कहाँ खाना बनाती थी, मुझे तो लगता है ना ससुराल में सिखा दिया है, या फिर 100% दिया भाभी ने। मेरी मानो तो मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मुझे हमेशा से बढ़िया खाना बनाना आता था, एकदम होटल जैसा। मैम। क्या भाई, अब कहाँ घुसे चले आ रहे हो? हमने कोई खाना ऑर्डर नहीं किया है, जाओ। मैम खाना तो ऑलरेडी मैंने डिलीवर कर दिया है, मैं तो बस ये कहना भूल गया था कि खाने के साथ साथ डिलीवरी के 5 स्टार दे दीजिएगा। क्या हुआ बुआ जी? क्या हुआ क्या? हाँ भगवान झूठ ना बुलाए, अरे हमें ये बाहर का खाना खिला दिया। राम राम राम, पता नहीं कैसे मसाले, कैसा तेल और कैसे बर्तनों में बना होगा। मुझे पता था कुछ तो गड़बड़ है। क्या दी आप भी, ऐसे एक्टिंग बड़ी अच्छी कर ली थी। और जाओ भाई, दे दूंगी तुम्हें 5 स्टार, जाओ अब। थैंक यू मैम। सुधरने की कोशिश करो भावना। आज का दिन ही खराब है। कम और शोर ज्यादा करती है भावना। अरे सर फटा जा रहा है हमारा। तो मैं कौन सा अपनी खुशी से कर रही हूँ बुआ जी, मेरे हाथ कमर गर्दन सब दुख रहे हैं। अब समझ में आया, ये सब ना इतना आसान नहीं है, हमेशा सोफे पे बैठे बैठे हुक्म चलाया करती है। अरे कभी हाथ भी चला लिया कर, समझी? समझ के।
अच्छी तरह से समझ गई बुआ जी, मुझे दिन में तारे नजर आ रहे हैं, मम्मी की जगह रामकली की याद आ रही है। लेकिन अभी तो आधा दिन ही हुआ है, रात के खाने की तो सारी तैयारी बाकी है। रात का खाना? अभी तो दोपहर के बर्तन भी नहीं हुए। बुआ जी, मेरी प्यारी बुआ जी, आपको पता है आप मेरी हमेशा से फेवरेट रही हो, बचपन से। और आप मुझे छोटे होते कितना प्यार करती थी, है ना? प्लीज बुआ जी, मुझे रात के खाने से मुक्ति दिला दीजिए, प्लीज। और वो मैं क्यों करूं? अरे ऐसा क्या कर दिया तूने? घर की औरतें ये सारा काम रोज ही करती हैं। बुआ जी, मैंने सुबह का नाश्ता बनाया, फिर बर्तन धोए, फिर झाड़ू पोछा किया, फिर से बर्तन धोए, फिर दोपहर का खाना बनाया, फिर से बर्तन धोए। बुआ जी, आप भी इस घर की बेटी, मैं भी इस घर की बेटी, और बचपन में आप मुझसे कितना प्यार करती थी ना बुआ जी। प्लीज बुआ जी, बस मुझे रात के खाने से मुक्ति दिला दीजिए, प्लीज 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 बुआ जी प्लीज, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अरे ठीक है, हम सोचते हैं कुछ। रात का खाना तो खाना ही पड़ेगा ना, भगवान झूठ ना बुलाए, ये आजकल की लड़कियां भी ना। लेकिन बुआ जी, आप ये सब करेंगी कैसे? अरे रुक तो सही, हमें अपने आप से मशवरा तो करने दे, कुछ तो करना ही पड़ेगा। नितिया कॉल क्यों नहीं उठा रही है, कब से फोन कर रहा हूँ उसको, किस तरह बात हुई क्या? नहीं भाई, मेरी तो आज सुबह ही लास्ट बात हुई थी, जब वो स्कूल जा रही थी, फिलहाल मेरा भी फोन नहीं उठा रही है। ट्राई करो उसको। मेरी मानो बुआ जी, आपने कितना समझाया दिया भाभी को, लेकिन देख लो आज भी घर से गायब। अपनी भाभी की बुराइयां करनी बंद कर, ठीक? उससे काम निकलवाना है या नहीं? हाँ, चुपचाप बैठ। अगर अरमान ने सुन लिया ना, तो सीधा तुझे तेरे ससुराल भेज देगा वापस। ठीक, पहले ही तेरी हरकतों की वजह से तुझसे चिढ़ा पड़ा है। या भाई, भाभी। हाँ। या कहाँ हो तुम, कब से तुम्हें कॉल ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हारा फोन नहीं मिल रहा, तुम फोन नहीं उठा रही हो। वो सब ठीक है ना, पापा की तबीयत ठीक है? फोन साइलेंट पे था अरमान, मैं ठीक हूँ। अच्छा एक मिनट दो, मुझे पलकी को बता दूं, मैं तुम्हारे घर पे कॉल कर दिया था, मैंने परेशान हो रहे हैं वो लोग। शिव जी बिहाने चले पालकी सजा के भभूति लगाए। हेलो, हाँ अरमान जी का कोई मैसेज नहीं आया, ना ही उनसे कोई बात हुई, आपकी बात हुई क्या? हाँ पलकी, मैंने यही बताने के लिए कॉल किया था, दिया घर पहुंच गई है, उसका फोन साइलेंट पे था, तुम लोग परेशान मत हो। थैंक गॉड। मम्मी, हाँ? दी पहुंच गए घर पर, उनका ना फोन साइलेंट पर था। उसको कहो फोन साइलेंट में रखने की बजाय कूड़ेदान में फेंक दे, उसको तो मजा आता है ना हमको तंग करने में। अरे गुड्डू, हमें फोन दो, हम बात करते हैं समधन जी से। हेलो, नमस्ते मधुबुआ। खुश रहो, सर अपनी मम्मी से बात कराना। हाँ जी मम्मी, बात करो मधुबुआ। अरे फिर कुछ हो गया क्या? मुझे नहीं पता मम्मी, आप बात करो। हेलो, नमस्ते मधु बहन जी। नमस्ते समदन जी। देखिए पिछली बार जो हमारी बात हुई थी ना, आप उसे भूल जाइए। पिया से पता चला था कि ब्रिज जी की तबीयत खराब है, अब कैसे हैं वो? हाँ हाँ अब थोड़ा ठीक है, आज तो स्कूल भी गए हैं। ये बढ़िया है, भगवान झूठ ना बुलाए। भाई हमें तो लग रहा था कि आप हमसे नाराज होके बैठी हैं, ना कभी कोई फोन करती, ना घर आने का न्योता देती। नहीं नहीं, बस वो घर के काम काज में इतना बिजी हो जाते हैं, आपका अपना घर है, आप जब मर्जी आइए। तो ठीक है फिर आज ही आ जाते हैं रात के खाने पे। आज ही क्यों, क्या हुआ?
आपका कुछ और प्लान है क्या? भाई आप ही ने तो कहा था कि कभी भी आ जाइए, आपका घर है। वो क्या बस कहने के लिए कह दिया था? अरे नहीं नहीं, सच में आप लोग आ जाइए रात को खाने पे। बहुत अच्छी बात है, अब आप इतना कह रही हैं तो हम आ जाएंगे। पर देखिए ज्यादा तैयारियां मत करिएगा भाई, हम लोग तो दाल चावल ही खाकर खुश रहने वालों में से हैं। हाँ तो बस मिलते हैं आज रात को। आज रात? हाँ आज रात। अरे भाई तुम तो जब देखो अपने मायके चल देती हो, तो हमने सोचा आज हम भी चलते हैं। कोई परेशानी है क्या? नहीं बुआजी, तकलीफ नहीं है। वो मैं कह रही थी मम्मी का व्रत है, फिर किसी दिन चले जाएंगे ना, आज रात रहने देते हैं। अरे लेकिन शाम को तो व्रत खोलेंगी ना? क्यों सुमदन जी? हाँ हाँ क्यों नहीं, आप लोग आइए, रात का खाना साथ में ही खाएंगे। अच्छा जी, फिर रात को मिलते हैं। ये क्या मुसीबत? ये ले गुड्डू। हो गया। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।